हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पोर्टल, एक ऐसी सर्विस के बारे में बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल का लाभ और इसमें मिलने वाली सभी सर्विसेज का लाभ सभी स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं और कोई बिजनेसमैन है तो इसके द्वारा अपने बिजनेस को जल्दी से ग्रोथ कर सकता है। और इस पोर्टल का मैं खुद यूज करता हूं, इसीलिए आपको इसके बारे में बता रहा हूं ताकि आप भी अपने को मेंटेन कर सकें और कम लागत में आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकें। तो हमेशा की तरह टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं कौन सा पोर्टल है और उस पोर्टल के द्वारा हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और हर सर्विस पर हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो भी आपको बताता हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट पे के बारे में। यहां आप देख सकते हैं इंस्टेंट पे आपके सामने ओपन है। इंस्टेंट पे में बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं जो सर्विसेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। उन सर्विस का यूज करने पर आपको अलग से किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट नहीं पेड करनी पड़ती है, जबकि जो भी पेमेंट आप उसमें से करते हो हर पेमेंट पर आपको कमीशन मिलता है, हर पेमेंट पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो आइए पोर्टल ओपन करके आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या सर्विसेज वहां से मिलती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पोर्टल आपके सामने ओपन कर लिया है ना। वेलकम अभय यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत देखिए यहां पर साइड में आप कॉर्नर में बिजनेस बैंकिंग, कार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिटीजन सर्विस, यूटिलिटी पेमेंट्स, ट्रेवल सर्विसेस, लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये सारी सर्विसेस मिलती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। यहां पर स्टूडेंट के पर्पस से यहां जो कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड में देखिए रीलोडेबल कार्ड्स और ब्रांड वाउचर का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर रीलोडेबल कार्ड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने आ गया है कार्ड का ऑप्शन। अगर आपने कार्ड इशू कराया है प्रीपेड कार्ड तो यहां पर आपको एक्टिवेट कार्ड पर जाना है और यहां से कार्ड का 4 डिजिट लास्ट का आप पुट करेंगे, पैन नंबर पुट करेंगे, किट नंबर पुट करेंगे, तो यहां से वो आपका कार्ड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कार्ड परचेज करना है तो यहां से बाई कार्ड करके आप यहां से कार्ड परचेज कर सकते हैं। ये कार्ड्स आपको हमारे द्वारा भी अवेलेबल मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको नंबर दूंगा उस नंबर के द्वारा इस पोर्टल के बारे में सभी इंक्वायरीज आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ ये पोर्टल भी आपको वहां से एक्टिवेट होके मिल जाएगा। तो इसके द्वारा क्या है कि जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मान लीजिए आपको CCC का फॉर्म फिल करना है, आप उसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या कोई अदर फॉर्म भी आप पेमेंट करते हो उसकी नेट बैंकिंग के द्वारा, ATM कार्ड के द्वारा, तो क्या होता है कि बैंक के ट्रांजेक्शन बढ़ते रहते हैं और आपकी पासबुक लगातार फिल होती रहती है। और ATM के द्वारा पेमेंट आप कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है कि एक दिन में 4 से 5 बार ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो यहां के द्वारा जो आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा उसके द्वारा आप दिन भर में जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कोई भी अलग से टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, अलग से कोई भी सर्विस चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, जबकि जो भी पेमेंट आप करोगे पर पेमेंट आपको कमीशन मिलता रहेगा। यहां पर आप कार्ड को जितनी बार ईटॉप करोगे, जैसे आप मोबाइल का ईटॉप करते हैं वैसे ही कार्ड को अगर आप ईटॉप करेंगे, टॉप अप करते हैं, तो वहां पर ट्रांजेक्शन आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। कैसे मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए सर्च कार्ड का ऑप्शन दिया है, सर्च कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां मोबाइल नंबर ऑन कार्ड एंड लास्ट 4 डिजिट ऑफ कार्ड, ठीक है, तो यहां पर आपको अपने कार्ड का लास्ट का 4 अंक और अपना मोबाइल नंबर यहां पर पुट करना है। तो यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर पुट कर रहा हूं, यहां पर मोबाइल नंबर मैंने अपना पुट कर दिया है और मोबाइल नंबर के बाद अब यहां पर अपने कार्ड का लास्ट डिजिट मुझे पुट करना है, तो भी मैंने यहां पर पुट कर दिया और यहां पर सर्च कर लिया, ठीक है। तो देखिए सर्च करने पर यहां पर आ गया अभय कुमार पांडे, है ना। यहां पर अब यहां पर देखिए टॉपअप का ऑप्शन दिया है, टॉपअप कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखाता हूं कैसे आपको यहां पर कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए ई टॉप किया, ठीक है, यहां पर कंफर्म में भी डाल देते हैं 5,000 और कर देते हैं प्रोसीड। तो देखिए यहां पर
₹5,000 का अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप ई टॉप कर रहे हो कार्ड को, तो ₹15 की अर्निंग यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है ₹15 की अर्निंग आपको यहाँ पर हो रही है। फिर से दिखाते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर यहाँ पर 10,000 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आप प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्निंग आपकी डबल हो गई, ₹30 की अर्निंग यहाँ पर अलग से आपकी हो जाएगी। तो जितनी बार भी आप ई टॉप करोगे, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करिए, 1,000, 5,000, 10,000, सभी पर आपको कमीशन अच्छा खासा मिलता रहेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल में आप देखोगे तो माइक्रो ATM AEPS का ऑप्शन मिलेगा, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और नेपाल मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर माइक्रो ATM AEPS दिया है। AEPS का मतलब क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना। इसमें क्या है कि आधार कार्ड के द्वारा आप किसी का भी अकाउंट से पैसा निकाल के उसको दे सकते हो। यहां पर देखिए, आप करेंगे तो बायोमेट्रिक डिवाइस का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी बायोमेट्रिक आपके पास अवेलेबल है, मंत्रा स्कैनर है या मार्फो है या अदर में कुछ है, तो वो आप यहां पर कर लोगे। देन कस्टमर का बैंक नेम, जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो यहां पर आपको पुट करना है। देन यहां पर उसका आधार नंबर और कस्टमर का मोबाइल नंबर। देन अमाउंट पुट करने पर यहां पर विड्रा कैश पे आप क्लिक कर दोगे, उसके बाद कस्टमर की फिंगरप्रिंट वहां पर लगेगी, उसके बाद उसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और उतना पैसा आप उसको दे देंगे, ठीक है ना। और वो पैसा कट के जाएगा कहां? वो पैसा आपके ही पोर्टल में रहेगा, जहां पर यहां पे आप देखेंगे, यहां पर व्यू बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर 3025 रुपीज है। तो क्या है कि जो भी आप यहां से ट्रांजेक्शन करोगे वो यहां पर आपका सेव होता चला जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए, इसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है। इसमें क्या है कि कंट्री के अंदर आप किसी भी बैंक में यहां से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर मोबाइल नंबर पुट करके और यहां पर आप कंटिन्यू कर लेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर के द्वारा आप कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। यहां पर सिटीजन सर्विस में आप देखोगे पैन कार्ड का ऑप्शन दिया है, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है और बायोमेट्रिक डिवाइस का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहां पर आप पैन कार्ड की सर्विस का भी लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक डिवाइस अगर परचेज करनी है तो वो भी यहां से आप परचेज कर सकते हो, है ना। यहां पर देखिए आपको दिख रहा है तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी यहां से आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी पेमेंट के अंतर्गत आप देखोगे, जूम करके दिखाते हैं, तो यहां पर प्रीपेड का मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपैड हो इसका भी आप रिचार्ज कर सकते हो। इसके अलावा DTH, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मल्टीपल एंड वाटर DTH कनेक्शंस, है ना। सॉरी, यहां पर म्यूनिसिपल था, मैंने मल्टीपल बोल दिया था। इसके अलावा DTH कनेक्शंस, इन सभी का रिचार्ज यहां पर आप कर सकते हो। यहां पर ट्रैवल एंड सर्विस में आप देखोगे तो यहां पर होटल की बुकिंग भी इसमें अवेलेबल हो गई है, जो पहले नहीं थी, लेकिन यहां पर अब होटल की बुकिंग भी आप कर सकते हो। देखिए, यहां होटल बुकिंग पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर देखिए आपके सामने आ जाएगा कि आपको किस डेट पे चाहिए, उस लोकेशन क्या होगी, और वहां पर स्टेटस आप चेक कर सकते हो कि एक नाइट के लिए, एक दिन के लिए कितना उसका रेंट होगा, सब कुछ यहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बस की बुकिंग करनी है तो बस में भी आप अपने टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन की करनी है तो ट्रेन की भी सर्विस यहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लोन में आप देखेंगे तो रीपेमेंट और अप्लाई फॉर अ लोन, लोन के लिए अप्लाई आपको करना है तो वो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही इंश्योरेंस, यहां पर प्रीमियम पे करना है या फिर आपको इंश्योरेंस परचेज करना है तो वो भी यहां से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में डिजिटल गोल्ड की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है तो वो सर्विस का लाभ भी आप उठा सकते हो। अब आपको बताते हैं कि आपको इंस्टेंट पे के द्वारा जो भी पेमेंट आप करते हो उस पेमेंट पर आपको कितना कमीशन मिलता है। तो यहां पर देखिए मोर का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें दिया है आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस का ऑप्शन, है ना। शेड्यूल ऑफ चार्जेस पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो ओपन हो रहा है आपका ये चार्ट। यहां पर देखिए, यहां पर मार्जिन 4% का कमीशन, अगर आप ₹1 से लेकर 1,00,000 तक की पेमेंट करते हैं तो 4% का उसमें कमीशन मिलेगा। ऐसे ही डिजिटल वाउचर में यहां पर देखिए 9% का, यहां 4% का, 3.50%, है ना। ऐसे देखिए, वोडाफोन की प्रीपेड का आप रिचार्ज करते हो तो 1% का मार्जिन वहां पर आपको मिलेगा।
ऐसे ही नेक्स्ट पेजेस में आप देखते जाइए तो यहां पर बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी जिस पर आपको कुछ ना कुछ कमीशन सब पे मिलता रहेगा, है ना। तो यहां पर जितनी सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हो। इन सर्विसेज का अलग से कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप ये पोर्टल लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, ये पोर्टल वहां से आपको एक्टिवेट होकर मिल जाएगा। और इस पोर्टल को लेने के लिए आपको 1180 रुपए देने होंगे, उसके बाद ये पेमेंट आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड होके एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर जो भी सर्विसेज हैं इन सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हो। इन सर्विसेज के लिए आपको अलग से कोई भी पेमेंट नहीं देनी होगी। और जो 1180 रुपए आप दे रहे हैं, अगर आप एक महीने में 10 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1180 रुपए आपको रिफंड होके मिल जाएगा। तो जो आपने लगाया वो भी आपको रिफंड होकर मिल जाएगा। बस आपको मेहनत से लग के काम करना है और आसानी से सारी चीजों का लाभ आप उठा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने बताया ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिए, वहां पर सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी और पोर्टल भी वहां से आपको एक्टिवेट होकर मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत संपर्क करिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।